माननीय नीतीश जी मुबारक हो महागठबंधन या महाठगबंधन को, क्योंकि हमका हमारे यहाँ तो दरवाजे बंद हैं, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के विकास में भरोसा करते हैं। तो समय बताएगा ना, भारी पड़ेगा तो फिर काला गठबंधन में कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अमित शाह का पटना आगमन को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। बता दें कि 2024 और 25 के चुनाव में जो है बीजेपी जुट गई है पूरे दमखम के साथ, और स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं सवर्णों को भी आकर्षित करने का बीजेपी काम कर रहा है। हालांकि आज आप पिछले दफे चुनाव में देखे, उपचुनाव में बोचहा और जो है कुढ़नी, जहां सवर्णों का जो है काफी बीजेपी को जो है समर्थन भी मिला। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी एमएलसी और इनसे दिलीप कुमार सिंह जी। दिलीप जी, बताइए कि क्या कितना उत्साहित है पहले आप? पहले आप तो गलत बोल दिए कि सवर्णों के उत्साहित करने के लिए, और शाहजानंद जी, स्वामी शाहजानंद जी का जयंती पर आ रहे हैं, तो स्वामी शाहजानंद जी गरीब सवर्णों के नहीं है, वो किसानों के हैं, मजदूरों का हैं, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आ रहे हैं, किसानों के लिए आ रहे हैं, मजदूरों के लिए आ रहे हैं। कुछ आ रहे तो कुछ बड़ा होगा, बड़ा करने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो बड़ा होगा। विपक्ष कह रहा है कि अच्छे समय में नीतीश जी वापसी महागठबंधन में किए, आज उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बेहतर परिणाम आएंगे। हाँ, परिणाम पहले भी हम लोगों ने देखा है, हमसे भी गलबहियां किए थे। परिणाम क्या आया था माननीय नीतीश जी का, जनता जानती है। भाई माननीय नीतीश जी मुबारक हो महागठबंधन या महाठगबंधन को, क्योंकि हमका हमारे यहाँ तो दरवाजे बंद हैं, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के विकास में भरोसा करते हैं, और नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम, बिहार की जनता हमारे साथ है और हम बिहार की जनता के साथ हैं। सवर्णों को भी लुभा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबका साथ सबका विकास यह हमारा नारा है, सबका विश्वास। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम नीतीश जी टाइप फूट डालो शासन करो का काम नहीं करेंगे, पलटी मार नहीं रहेंगे, हम तो विकास के साथ चलेंगे। विकास के साथ चलेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार, अब आप लोग पे भारी पड़ेंगे क्या? तो समय बताएगा ना, भारी पड़ेगा तो फिर काला गठबंधन में कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सही समय पर मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। वो तो हर कोई बोलता है ना, लेकिन ये तो जनता देख रही है, आप लोग भी मीडिया से हैं तो आप लोग भी देख रही हैं ना। आज जो अमित शाह आएंगे, इसका कुछ असर दिखेगा बिहार में क्या, बिहार की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव, कार्यकर्ता तो प्रोत्साहित होंगे, उत्साह तो बढ़ेगी। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख हो या फिर दिले, दावा किया कि इस बार जो अमित शाह का आगमन हो रहा है तो इसका प्रभाव बिहार की राजनीति में जरूर पड़ेगा। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं तस्वीर बापू सभागार के बाहर कि देखिए किस तरह से लगातार किसान जो है वह जुट रहे हैं बापू सभागार में, जो है भीड़ जो है वह आ रही है, आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने अभी किया है कि आगे आने वाले चुनाव में जो है बेहतर से बेहतर बीजेपी का जो है प्रदर्शन रहेगा। इस तरह बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।